अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ सरकार। मेरा नाम है समीउल्लाह, सिखा रहा हूँ अडोबे डायमेंशंस। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कैमरा बुकमार्क के बारे में और साथ ही इस बटन के बारे में जाना है जिसका नाम है फोकस प्रीव्यू। सो गाइस, मेरे पास ये देखें वाइट बैकग्राउंड है, यहाँ पे मैं कोई एक इमेज ले आता हूँ, इसे पिक कर लेता हूँ और ये मैंने देख ली इमेज, यहाँ पे ऐसे रख ली। और कुछ यहाँ पे मॉडल ले आते हैं, जैसे इस यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, और चलें मैं यहाँ पे कुछ उठा लेता हूँ, जैसे ये एक बॉटल मैंने यहाँ पे रख दी। ऑलराइट, ये उसके बाद एक और यहाँ पे ले आते हैं, चलें जी इसे यहाँ पे मैं ले आता हूँ मज़ीद। ठीक है जी, और इसको उठाकर यहाँ पे रख दूँगा। ऑलराइट, इसके बाद इसकी पोजीशन भी मुझे इस तरह यूँ सेट कर देता हूँ, यानी इसकी भी। और राइट बटन क्लिक करते हुए इस पैनल को, यानी ये जो बीच में ग्रिल बनी हुई है, इसे मैं इस तरह बिल्कुल जो है ना सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, और मज़ीद जो है ना इसमें इन ऑब्जेक्ट को इस तरह पोजीशन कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये कुछ इस तरीके से नॉर्मली। सो ये मैंने जी इस तरह इनको सेट कर लिया। और मैं अब चाहता हूँ कि ये जो बुक मार्क जो है ना वो सेफ हो जाए, मतलब कैसे, इसके ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो इस बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें व्यू वन से ये जो है ना बुक मार्क अब सेफ हो चुका है। और मज़ीद इसे मैं हाइड कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस तरह इसकी जो पोजीशन वो चेंज कर देता हूँ, या कुछ भी ऐसा पोजीशन अगर आप चेंज कर लें तो वापस उसी पोजीशन पर लेकर आना चाहते हैं तो आप बुक मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वेल देखें ये एक बुक मार्क यहाँ पर सेफ हो चुका है। अब मैं इसमें दूसरा बुकमार्क सेव करना चाहता हूं, तो कैसे, चलें मैं इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज कर देता हूं, कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। ऑलराइट, ये, और यहां पे क्लिक करूंगा और यहां पे ऐड कर दूंगा। अब ये बुकमार्क टू हो चुका, ये वी वन और ये टू है, आप रीनेमिंग कर सकते हैं ऑफकोर्स। इसे आप यूँ डबल क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पर ये जो है ना चेंज हो जाता है। इसी तरह आप बहुत से बुकमार्क सेव कर सकते हैं। इस थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करें तो स्विच टू होम, उसके अलावा अपडेट करना चाहते हैं, न्यू बुकमार्क और प्रीवियस और नेक्स्ट को लेकर आना चाहते हैं तो यहां से भी कर सकते हैं। बकायदा आप यहां पे कमांड भी इनकी देख रहे हैं। सो गाइज, ये था टोटली बुकमार्क को सेव करने का ऑप्शन। ठीक है, इस तरह क्लिक किया मैंने तो ये देखें व्यू चेंज हो चुका है। और इसके साथ ही एक बटन मिलता है, ये है जी कैमरा को अनडू करने का और यहाँ से रीडू करने का। फंक्शन की के साथ एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। इसके अलावा फ्रेम की सिलेक्शन करना चाहते हैं, कीबोर्ड से एफ को प्रेस कर दें या फिर इस बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह ये व्यू दिखाई देगा। मैं वापस इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ या फिर कंट्रोल जी को प्रेस कर दें, या इस तरह भी आप कर सकते हैं कि बुक मार्क जो आपने सेव किया है उसी के ऊपर ये चला जाएगा। सो ये है फ़ायदा इस बुक मार्क का। नेक्स्ट है जी हमारे पास टॉगल फोकस प्रीव्यू ऑन कैनवस, ये क्या काम करता है। सो इस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखें कैमरा मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें तो प्रॉपर्टी के अंदर आकर देखें तो यहाँ पे मिल जाता है हमें फोकस। इसे खोलें और इस टॉगल बटन को ऑन कर लें तो ये देखें फोकस वाला जो बटन है अब यहाँ पर नज़र आ रहा है। फोकस सिर्फ इसी पे करेगा, इसे वो क्या कर देगा, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसे ब्लर कर देगा। कितना ब्लर करना चाहते हैं यहाँ पे इसकी अमाउंट सेट कर सकते हैं, और उसके बाद इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वेल देखें ये ब्लर करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, इसकी अमाउंट मैं थोड़ी और बढ़ाता हूँ आप देखें, और इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वेल देखें ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं ये ब्लर होने शुरू हो चुके हैं। ठीक है जी, अभी मैं इस ब्लर को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर मटेरियल का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है जी, जैसे ये मेटल का ढक्कन है तो इसके ऊपर मैं मेटल अप्लाई कर देता हूं ढक्कन के ऊपर। ठीक है, नीचे प्लास्टिक इस्तेमाल करूंगा, ये आ चुकी है, और यहां पे भी नीचे प्लास्टिक। ठीक है जी, और आई थिंक और ऊपर जो ढक्कन है उसे मेटल का लुक दे देता हूँ ये। ठीक है जी, तो वेल देखें आप कैसा नज़र आता है, ये देखें ब्लर करने पर ये कुछ इस तरह ब्लर कर रहा है। ऑलराइट, इसे फिर से मैं ऑफ कर देता हूं और कैमरा के ऊपर वापस आ जाते हैं।
यहाँ पे इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कैमरा के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें ब्लर है। सेट फोकस पॉइंट, आप फोकस पॉइंट भी सेट कर सकते हैं, जैसे इसी के ऊपर फोकस करे और बाकी ब्लर कर देगा। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो वेल देखें ये ब्लर हो चुका है और ये जो पॉइंट है ये फोकस में है। ऑलराइट, इसी तरह वापस आप सेट कर सकते हैं फोकस पॉइंट को, यहाँ पे फोकस करेगा वो जो हिस्सा है वो ब्लर हो चुका है। ठीक है, इस तरह गाइज आप इन बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ शोर हाइड करना चाहते हैं रेंडर प्रीव्यू, तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इसे मैं अगर ऑन कर दूं तो वेल देखें ये रेंडर हो रहा है साथ साथ। अब देखें बहुत ज़्यादा मैंने फोकस कर रखा है तो यहाँ पे वो जो है ना अमाउंट मुझे कम करनी पड़ेगी। अब देखें यहाँ पे तो कुछ इस तरह ये नज़र आएगा, फोकस पॉइंट सिर्फ यही है, ये देखें ब्लर हो चुका है तो अच्छा लुक दे रहा है ये। अगर मैं इस बटन को ऑफ कर दूँ तो अब और भी ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आएगा, बल्कि इसमें फोकस वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो इसमें कोई फोकस नहीं है। ऑलराइट, इसमें मज़ीद इस बटन को मैं ऑफ़ कर देता हूँ और इसके ऊपर यूँ डबल क्लिक करूँगा तो मुझे कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो इस कलर को मैं यूँ पिक कर लेता हूँ। ऑलराइट, और उसके बाद इस बोतल को भी मैं फिर कलर दे देता हूँ, जैसे ये येलो कलर दे देते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से। और उसके बाद मज़ीद इसमें मुझे लाइट वगैरह को इस्तेमाल करनी है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लाइट का इस्तेमाल कर लेता हूँ, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। ठीक है जी, अब देखें कैसा ये वर्क करेगा। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब देखें कैसा ये दिखाई देता है। सो गाइज, मज़ीद टाइम देकर भी आप इसे ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। यहाँ से इंस्टेंसिटी, रोटेशन प्रॉपर्टी के अंदर जो भी ये डायरेक्शन लाइट टू और ये वन जो है इसके अंदर मज़ीद जो है ना प्रॉपर्टी एडिट कर सकते हैं। जैसे ये है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि मैं आपको दूसरा वीडियो में बता चुका हूँ। और आने वाली मज़ीद वीडियो में इन को अच्छे से समझेंगे, जैसे जैसे डायरेक्शन लाइट है, एनवायरमेंट लाइट है, ये सब हम अच्छे से जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह इन टूल्स के हवाले से, जिसमें मैं कवर करवा दूंगा इन सभी टूल्स को कैसे करते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में हमने सीखा बुकमार्क के बारे में और मज़ीद कैमरा अंडू रीडू करने के ऑप्शन के बारे में, और साथ ही यहाँ पे एक और ऑप्शन था जैसे फ्रेम सेलेक्ट, और इसके बारे में सीखा जो है फोकस प्रीव्यू ऑन कैनवस। सो इस बटन को माफ़ कर देता हूँ। और गाइज, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सीखा इन चीज़ों के बारे में, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।